हाई गुड आफ्टरनून गाइज सो बच्चों ने मुझे जो है काफ़ी बच्चे मुझे टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं सो आई विल अटैच स्क्रीन शॉट हेयर ऑल्सो कि हमें कोचिंग जो है ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन uh, बच्चे ये हम लोगों का एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है और uh, मैं इसमें यह बोलूँगी दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और दोनों के अपने पॉजिटिव और निगेटिव हैं लाइक अ कॉइन उसके दोनों साइड होते हैं दैट इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हेड एंड टेल्स इज ऑलवेज देयर हर चीज का पॉजिटिव होता है तो आपको मैं वो डिस्कस करती हूँ और उसके बाद आप देखिए उस चीज के अंदर आप क्या साउंड है किस चीज के अंदर आप स्ट्रांग है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो अपना डिसीजन बना सकते हो सो so गए सबसे पहले तो ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन के अंदर बच्चे अगर आप लोग फाइनेंशियली अगर इतने स्ट्रांग नहीं हो या फिर आप वर्किंग हो तो डेफिनेटली ये एक फैक्टर है जो कि आप लोगों को टिल्ट कर सकता है ऑनलाइन के अंदर और एक मुझे ऐसी चीज लगती है कि आप अपने अकॉर्डिंगली भी चीजें देख सकते हो कि जैसे आपने पंद्रह पंद्रह मिनट या हाफ एफ एन आवर के बाद अगर ब्रेक में देखना है अपने लेक्चर वो भी देख सकते हो आप अपने हिसाब से स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं तो ये एक फैक्टर रहता है येस आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपको स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए लैपटॉप्स चाहिए प्रिंट आउट्स चाहिए ये एक उसका नेगेटिव भी रहता है गैस। थोड़ी सी वो आपका जो है आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि आपको एक मोटिवेशन आपको आपको बार बार टाइम टू टाइम आप अपने आप को देते रहें। दैट इज द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज नोट फॉर योर ऑनलाइन कोचिंग सबसे बड़ा बेनिफिट गैज़ ऑनलाइन कोचिंग का ये रहता है कि आप बड़े शहरों में जैसे दिल्ली आपने बोला तो ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली में जाके वहाँ पे ही कोचिंग लो आप वहाँ से ऑनलाइन उनसे ले सकते हो जैसे हम लोगों के पास भी बहुत सारे लोग जे के गुजरात जम्मू आंध्र प्रदेश बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंट आपके स्टेट से आते हैं जो हमसे कोचिंग लेते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का ऑनलाइन कोचिंग बट डेफिनेटली गैज आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो ऑफलाइन जब आप जाते हो आपको फ्रेंड्स अगर मिलता है आपको टेस्ट मिलते हैं टीचर आपको देख के समझ है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया आप लाइव डाउट पूछ सकते हो अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो अफोर्ड कर सकते हो शहरों में आके रहना विदाउट बोर्डिंग योर पेरेंट्स का वो चीज कभी नहीं करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ईजिली या आप खुद अपने आप जो है अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर योर ऑफलाइन कोचिंग एंड मेक अ मोस्ट ऑफ इट मैं तो गैस हमेशा ये चीज़ भी बोलती हूँ कि कोचिंग इज नॉट नेसेसरी दो आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट दैट इज योर सिमरन नायस इन चंडीगढ़ बट मैं कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग ने आप लोगों को सिर्फ एक एबीसीडी सिखानी आपको बेसिक्स एनालिटिक्स स्किल्स तो गएस आप लोगों को खुद ही बनाने पड़ेंगे तो अगर आप लोगों को लगता है कि यू आर स्मार्ट इनफ कि आप वो चीज समझ सकें कि कौन सा सिलेबस पढ़ने वाला है कौन सा नहीं है अगर आप चीजों को डिमांड ऑफ द एग्जाम या फिर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो क्योंकि आप कोचिंग कर सकते हो आप कोचिंग ले सकते हो उसके साथ क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है वो आप खुद भी कर सकते हो वो आपको छ महीने लग जाएंगे और कोचिंग आपको सिर्फ छह हफ्तों में वो चीज समझा देगा तो इस चीज को समझिए कोचिंग सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए होती है गेस जैसे अभी हमने हंड्रेड गेज का क्रैश कोर्स चलाया था तो आप यकीन मानिए कि थ्रू आउट द इंडिया इतने लोगों ने एनरोल किया हम लोगों में इसका रिस्पॉन्स गए आई कैन कंपेयर टू माई थ्री सिक्सटी फाइव डेज प्रोग्राम जो आपका थ्री फिफ्टी सिक्सटी फाइव डेज का मेरा प्रोग्राम चलता है दैट इज योर वन डे वन क्वेश्चन आप रोज लिखते हैं उसके बाद ये सबसे सेकेंड सक्सेसफुल इवेंट था मेरा दैट वॉज योर हंड्रेड डेज के राश कोर्स वहां पे भी बच्चे हम आपका क्या कर रहे हैं कोचिंग का मतलब टाइम सेविंग और मोटिवेशन और सर पे डंडे का है कि आप टेस्ट प्रॉपरली दे कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि छः महीने का काम छः हफ्तों में करा दे तो आपको डेफिनेटली जो है ना बहुत सोच समझ के चूज करने पड़ते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट चूज़ करिए जहाँ पे आप लोगों को पर्सनल इंट्रैक्शन मिले बट उन लोगों की आपकी जो है क्वालिटी भी हो वहाँ पे डेफिनेटली यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग सिर्फ और सिर्फ वह उनका नाम बहुत ज्यादा हो बट क्वालिटी ना हो सो so, दोनों चीजों को मद्देनजर में रखते यू कैन चूज एनी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता गये कि मैं किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम लू या अपने आप को प्रमोट करूँ कि आप मेरे पास कोचिंग लो नहीं गए मेक योर डिसीजन सबकी वीडियोज हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेका चेक कि आपको कौन सा अच्छा लगता है शायद किसी को फिजिक्स किसी को मैथ्स किसी को केमिस्ट्री सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स होते हैं सबके अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं वैसे आप लोगों को चूज करना है यूट्यूब के थ्रू कि आपको कौन चीज़ें पसंद हैं एज अ बिगनर गाइज हम लोगों का जो यूट्यूब लिंक है आई एम प्रोवाइडिंग इट हेयर जो चैनल का नाम है दैट इज़ सिमरन आयस अकेडमी अब हम लोगों के चैनल पे भी जाके वीडियोस देखिए हर एक टीचर की जो है हम लोग वीडियोस जब डालते रहते हैं अपडेट करते रहते हैं ये आई प्रॉमिस आई विल बी मोर रेगुलर विद माय यूट्यूब वीडियोज़ आपको पता है कि लास्ट ही कुछ दिनों में हमने अपना जो है थोड़ा सा सेटअप जो है इन्हांस भी किया है आई विल प्रोमिस कि मैं अब इसमें ज़्यादा जो है क्लासरूम जो है रिकॉर्डिंग्स डालती रहूँ थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल